नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर ऋतु वर्मा। अभी तक हम लोगों ने चार टाइप्स के सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला सिस्टम, जो होता है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है? इसे हम दो पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अगर डेफिनेशन समझना है तो हम दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट है, अ सिस्टम हुज इनवर्स कैन बी डिफाइंड इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम विल बी नॉन इन्वर्टिबल। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है और हम उसका इनवर्स डिजाइन कर सकते हैं तो वो सिस्टम हमारा इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। इनवर्स डिजाइन कर सकते हैं मतलब मान लीजिए मैंने उसमें कोई इनपुट दिया और उसका कुछ आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एंड देन अगर मैंने उस सिस्टम का इनवर्स बना करके अगेन वो सिस्टम लगा दिया है आगे में, तो वो सिस्टम हमारा जो होगा वो इन्वर्टिबल सिस्टम होगा। जैसे अगर हम देखना चाहें, अगर मान लीजिए मैं इसका सिस्टम ले लेती हूँ, तो ये मैंने एक लिया है, इसे हम बोलेंगे इन्वर्टिबल सिस्टम। अगर हम बोल रहे हैं इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ इनपुट दिया हमने, तो ये x of t इनपुट दिया और ये जो सिस्टम क्या कर रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आउटपुट कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स ऑफ टी। ये हमारा कोई सिस्टम हो गया। अब हमने ये कहा है कि अ सिस्टम हुज इनवर्स कैन बी डिजाइन, तो अगर हमारे पास ये सिस्टम है और हम इस सिस्टम का इनवर्स डिजाइन करके इसके कैस्केड में अगर लगा दें, तो हमें जो वापस में अगर जो फाइनल आउटपुट आ रहा है अगर वो इनपुट के बराबर आ जा रहा है तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स सिस्टम कहलाता है। तो अगर मान लीजिए ये सिस्टम है और इस सिस्टम के आगे हमने डिजाइन कर दिया, एक इनवर्स सिस्टम लगा दिया जो कुछ इस तरीके से होगा, ये हुआ इनवर्स सिस्टम। अब ये इनवर्स सिस्टम क्या करेगा, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, यहाँ पे हम 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, फाइनल आउटपुट हमारा जो आना चाहिए वो आएगा वाई टी इंटू एक्स ऑफ टी, मतलब जो इनपुट दिया था हमने वो ही हमारा वापस इनपुट हमें मिल गया। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसका हम इनवर्स सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है इन्वर्टिबल सिस्टम, मतलब हम उसको वापस जो इनपुट हमने दिया था वो एज ए इनपुट हम ले वापस ला सकते हैं, तो वो सिस्टम हो गया इन्वर्टिबल सिस्टम। और अगर ऐसा हम इनवर्स सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग कहेंगे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज, फॉर अ सिस्टम टू बी इन्वर्टिबल डिस्टिंक्ट इनपुट मस्ट रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट आउटपुट। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई सिस्टम दिया हुआ है, गिवन है, और कहा जा रहा है कि हमें ये बताना है कि सिस्टम इन्वर्टिबल है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पता कर सकते हैं कि अगर अलग अलग उस सिस्टम में अगर हम अलग अलग इनपुट देने पर अलग अलग आउटपुट हमें मिल रहा है तो वो सिस्टम इन्वर्टिबल होगा। लेकिन अगर अलग अलग इनपुट देने पर किन्हीं दो इनपुट पर वो सेम आउटपुट दे रहा है तो वो नॉन इन्वर्टिबल होगा। हमें यही नहीं पता होगा कि कौन से इनपुट के लिए ये आउटपुट हमारा आ रहा है, तो उस तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो नॉन इन्वर्टिबल होते हैं। इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो आइए इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। लेट सपोज हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है y of t is equals to x square of t, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है एंड पता करना है कि इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर कोई सिस्टम पता करना है तो अलग अलग इनपुट पर अलग अलग आउटपुट आना चाहिए, सेम जो आउटपुट है वो नहीं आना चाहिए। तो लेट सपोज एक्स स्क्वायर है तो हमने एक इनपुट दिया है, ये सॉल्यूशन है, और अगर हम मान लीजिए इनपुट दे रहे हैं माइनस ऑफ 2 एंड देन ये इनपुट दे के हम सिस्टम का रिस्पांस चेक कर रहे हैं तो वाई टी हमारा कितना आएगा, जब हमने एक्स ऑफ टी यहाँ रखा माइनस 2 तो आउटपुट आ रहा है 4। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने एक्स ऑफ टी रख दिया 2, तो जब अगर x of t इनपुट दे रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है,
y ऑफ t इज इक्वल्स टू अगेन 4 आ रहा है। हमने प्रीवियस में पॉइंट में हमने क्या कहा था कि अलग अलग इनपुट देने पर अलग अलग आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम वो नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ तो हम इस इनपुट पर भी 4 आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट पर भी 4 आउटपुट आ रहा है, तो अब अगर हमें इसको रिवर्ट में लेकर के जाना है, तो अगर हम रिवर्ट में ले जाएंगे तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो आउटपुट है वो -2 के लिए है या 2 के लिए है, दोनों ही के लिए। जैसे अगर हमें सिर्फ ये दे दिया जाए कि आपके पास yt इज इक्वल्स टू 4 है, आप xt की वैल्यू निकालो, तो आप ये कैसे पता करोगे कि ये -2 के लिए निकला है 4 या +2 के लिए 4 निकला है। तो इसका मतलब ये है कि इस आउटपुट से हम दोबारा इनपुट पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग इनपुट पर अलग आउटपुट आना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है y of n, डिस्क्रीट सिग्नल ले लीजिए, y of n इज इक्वल्स टू x of n माइनस ऑफ 2 और x of प्लस n प्लस 2, ये दोनों ही आप ले लीजिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन है, कहा जा रहा है कि इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, ये आप बताइए। तो देखिए, अगर हम अलग अलग इनपुट यहाँ पर देंगे तो n की वैल्यू अगर हम चाहे जो रख लें, हमें x की डिफरेंट वैल्यू आएगी। लाइक अगर n की अगर हम 0 वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो x ऑफ -2 की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम x ऑफ -2 की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 रख दें तो x ऑफ -1 की वैल्यू हमें चाहिए। अगर हम x ऑफ प्लस -1 की जगह +1 भी रख दें तो x ऑफ -1 की वैल्यू हमें चाहिएगी। मतलब अगर जैसे मान लीजिए n इज इक्वल्स टू मैंने रखा 0, तो n इज इक्वल्स टू अगर 0 रखा तो ये कितना हो गया, x ऑफ -2 की मुझे वैल्यू चाहिएगी, ये मैं पता कर लूंगी। अगर n इज इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो x ऑफ ये हो जाता है -3, तो मैं -3 की वैल्यू निकाल लूंगी। n इज इक्वल्स टू अगर +1 रखा तो जब +1 रखेंगे तो x ऑफ -1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। मतलब ये कि अगर मैं n की जितनी भी अलग अलग वैल्यू रखूंगी उस पर मुझे x की अलग अलग वैल्यू, अलग अलग पॉइंट पर x की मुझे वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नल है ये सिग्नल इन्वर्टिबल सिग्नल है, ठीक है। ये सिस्टम इन्वर्टिबल सिस्टम है, बिकॉज हमें अलग अलग इनपुट पर अलग अलग आउटपुट पता होंगे, तो अलग अलग आउटपुट से अगर हमें पता है तो हम उसके अलग अलग इनपुट पर जा सकते हैं, तो ये सिस्टम इन्वर्टिबल सिस्टम हुआ। सिमिलरली अगर क्वेश्चन हमें गिवन है, y of t is equals to x of 2t और x of t by 2, अगर ये भी सिस्टम गिवन है तो ये सिस्टम भी इन्वर्टिबल होगा, बिकॉज हम जो सिग्नल है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है और उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो सिग्नल का कंप्रेशन हो रहा है, ये सिग्नल का एक्सपांशन हो रहा है। तो अगर आप कंप्रेशन या एक्सपांशन दोनों ही करते हैं तो जो सिग्नल है, जो सिस्टम है, उसकी वैल्यूज तो अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप कोई इनपुट अगर ये दे रहे हैं, मान लीजिए xt अगर आप इनपुट दे रहे हैं, तो आप जो उसका आउटपुट है उसमें ले रहे हैं, या तो सिग्नल को कंप्रेस कर देंगे या एक्सपांड कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप एक्सपांड और कंप्रेस दोनों भी कर रहे हैं तो उस केस में भी जो आउटपुट है वो तो चेंज हो जाएगा, इन्वर्टिबल है। मतलब देखिए, मान लीजिए अगर मैं कहना चाह रही हूँ कि मुझे ये सिस्टम गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये xt मैंने इनपुट दिया है, तो अगर xt मैंने दिया है और ये कह रहे हैं कि आपको कंप्रेस कराना है, तो जब आप इसे कंप्रेस करा दोगे सिग्नल को, तो अगर आप कंप्रेस फॉर्म में लोगे, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर वेव दी है -1 से 1 के बीच की, तो जब आप इसे कंप्रेस करा दोगे तो ये हो जाएगा -0.5 से 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप t की कोई भी अलग अलग वैल्यू रख लो, आपको आउटपुट, मतलब अगर आप डिस्टिंक्ट वैल्यू रखोगे तो आपको डिस्टिंक्ट आउटपुट ही मिलेगा, सेम आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों सिस्टम जो है, ये दोनों सिस्टम इन्वर्टिबल है। सिमिलरली ये दोनों सिस्टम भी इन्वर्टिबल सिस्टम होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू, या तो मुझे रियल ऑफ एक्स टी का पता करना है, रियल ऑफ एक्स टी या इमेजिनरी ऑफ एक्स ऑफ टी, ये मुझे क्वेश्चन गिवन है और मुझे पता करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं। और हमें गिवन है कि जो यहाँ पर एक्स टी है, लेट सपोज एक बार हमने एक्स वन टी ले लिया है 3 + 4 ऑफ जे, और एक बार एक्स टू टी ले लिया है 3 - 4 ऑफ जे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक्स टी हमें गिवन है उसका हमें चाहिए रियल ऑफ एक्स टी, तो यहाँ आप देखेंगे रियल ऑफ एक्स टी 3 है इस वाले क्वेश्चन का भी, और रियल ऑफ एक्स टी इस वाले क्वेश्चन का भी 3 है। मतलब यहाँ से अगर हम वाई टी निकाल रहे हैं तो वाई टी तो जो निकल रहा है वो तो 3 आ रहा है, और वो 3 है। अगर हम अब इस 3 से वापस इनपुट पर जाना चाहें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे या इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ ये सिग्नल नॉन इन्वर्टिबल हो गया, ये सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल हो गया। मतलब अलग अलग वैल्यूज पर हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल हो गया। सिमिलरली अगर मैं इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ कि मुझे ये जो क्वेश्चन है इसका इमेजिनरी पार्ट बताइए, इमेजिनरी ऑफ एक्स टी पता करना, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इमेजिनरी भी 4 आ रहा है, और यहाँ भी आप देखेंगे कि तो इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो यहाँ से सिस्टम का हमें अगर 4 इमेजिनरी पार्ट पता चल रहा है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये एक्स टी के लिए या एक्स टू के लिए। तो ये सिस्टम भी नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम हुआ। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि सिस्टम इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। ठीक है, आपको बस ये करना है कि जो भी क्वेश्चन गिवन है, जो भी सिस्टम गिवन है, उसमें अलग अलग इनपुट रखकर देखिए, अलग अलग इनपुट पर अगर सेम आउटपुट आता है तो आपका जो सिस्टम है वो इन्वर्टिबल हो गया, और अगर नॉन इन्वर्टिबल हो गया, और अगर अलग अलग आउटपुट आता है तो वो इन्वर्टिबल हो गया, मतलब आप उसे वापस ला सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन गिवन है y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ ट्वाइस ऑफ n एंड x ऑफ n बाय 2। अगर हमें ये दोनों क्वेश्चन गिवन है तो इन दोनों के बारे में जब हम लोगों ने डेसिमेशन एंड इंटरपोलेशन, दैट मीन्स द ऑपरेशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पढ़ा था, उस वक्त हमने इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया था, और इसमें हमने कहा था कि अगर जो हमारा डेसिमेशन है वो नॉन इन्वर्टिबल जो है वो प्रोसेस होती है, हमने ये कहा था। तो ये नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम कहलाएगा, और जो इंटरपोलेशन है वो इन्वर्टिबल प्रोसेस होती है, तो ये इन्वर्टिबल सिस्टम कहलाएगा। इसके लिए आप लोग को जो हमारा वो प्रीवियस लेक्चर है वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही बता देंगे कि ये नॉन इन्वर्टिबल है या ये इन्वर्टिबल है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल इफ एंड ओनली इफ बाउंडेड इनपुट रिजल्ट्स इन द बाउंडेड आउटपुट, अदरवाइज सिस्टम विल बी अनस्टेबल। मतलब ये है कि अगर हमें कोई सिस्टम गिवन है और उसमें हम बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं और हमें बाउंडेड आउटपुट ही मिल रहा है तो वो सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा, अदरवाइज वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमने बाउंडेड इनपुट दिया और अगर हमें अनबाउंडेड आउटपुट मिल रहा है तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमें गिवन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। अब हम डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मुझे कोई सिग्नल एक्स टी गिवन ही है, लाइक स्क्वायर वेव ही मान लीजिए, अगर स्क्वायर वेव गिवन है तो उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो वो भी हमें स्क्वायर वेव ही मिलेगा, बस उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम होगा ये किस कैटेगरी में आएगा? ये सिस्टम आएगा स्टेबल सिस्टम। ओके, तो इस टाइप से हम देखेंगे, चेक करेंगे कि सिस्टम बाउंडेड इनपुट अगर हम बाउंडेड दे रहे हैं तो बाउंडेड आउटपुट आना चाहिए, तो ही वो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y of t is equals to cos omega not t into x of t।
तो ये तो हमें दिख रहा है कि कॉस वेव है और कोई एक्सटी सिग्नल है। तो अगर हम किसी भी सिग्नल में एक्सटी के मतलब किसी भी कॉस वेव में अगर एक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाउंडेड ही बनेगा, बिकॉज ये दोनों ही बाउंडेड सिग्नल है। तो यहाँ पर ये सिस्टम भी हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमें गिवन है, क्वेश्चन वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। अब टी इंटू एक्स ऑफ टी, तो टी जो है, टी तो सिग्नल हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, टी बेसिकली रैंप फंक्शन होता है, तो टी तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली अनबाउंडेड सिग्नल की कैटेगरी में आता है। तो अगर अनबाउंडेड सिग्नल की कैटेगरी में आएगा तो ये सिस्टम में हम ये जो हाँ जो टी है उसमें किसी भी सिग्नल से मल्टीप्लाई करा ले तो वो सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज वो हमें अनबाउंडेड जो आउटपुट देगा। तो ये सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम, ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया। बिकॉज अगर हम इसको लिखें टी को, तो टी को तो हम आर टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो टी है, टी मतलब ये सिग्नल है कुछ इस तरह से, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, रैंप फंक्शन हो गया। तो अगर आप रैंप फंक्शन इंक्रीजिंग है और आप देखेंगे कि ये टी टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये सिग्नल अपने आप को इनफाइनाइट रीच करा रहा है। टी जैसे इन्फाइनाइट होगा ये सिग्नल अपने आप को इनफाइनाइट रीच करा रहा है, इसका मतलब ये जो सिस्टम, ये सिग्नल हो गया अनबाउंडेड है। तो अगर ये खुद ही अनबाउंडेड हो जाता है, तो अगर हम इसे किसी इनपुट किसी सिस्टम में एज ए इनपुट देते हैं तो ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ये अनबाउंडेड की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें गिवन है वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टू टी डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ टी बाय टू। तो ये जो सिस्टम, ये जो गिवन क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उन दोनों में एक कंप्रेस कर रहा है सिग्नल को और एक एक्सपांड कर रहा है। तो चाहे आप कंप्रेशन कर लो या एक्सपांड कर लो, कुछ भी कर लो, सिग्नल तो बाउंडेड, अगर हम इनपुट देंगे तो बाउंडेड ही आउटपुट देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम भी स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। नाउ अब नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में देता है देते हैं, मान लीजिए हमें गिवन है वाई टी इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू टी एक्स ऑफ टाउ इंटू डी टाउ। अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हमेशा से आप ये याद रखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि इफ जो इंटीग्रेशन है, अगर उसकी लिमिट है, अगर जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट इनफाइनाइट आती है, मतलब गिवन है हमें, अगर इनफाइनाइट गिवन है तो सिस्टम होगा अनस्टेबल सिस्टम, बिकॉज वो अपने आप को इनफाइनाइट पे रीच करा रहा है। इनफाइनाइट पे रीच कर रहा है इसका मतलब वो अनबाउंडेड सिग्नल हो गया। अनबाउंडेड सिग्नल को अगर आप इनपुट में देंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर इफ लिमिट जो है वो अपने आप को फाइनाइट रीच कराती है, मतलब कहीं पे टी की किसी भी वैल्यू पर वो इनफाइनाइट नहीं जाती है, तो वो सिस्टम हो जाएगा स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ आप देखिए जो क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक लिमिट माइनस इनफाइनाइट पे जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है, इसका मतलब ये सिस्टम अनबाउंडेड हो गया, सिग्नल अनबाउंडेड हो गया, और ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम होगा अनस्टेबल सिस्टम। तो इस तरीके से हम लोग जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टेबल या अनस्टेबल है ये हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।